दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा वाहिद। स्वागत है आपका गीत गजल कविताओं के एक ऐसे अनूठे कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह जी वाह। दोस्तों आज हमारे साथ साहित्य के तीन ऐसे हीरे मौजूद हैं कि जिस वक्त उनके कलम का जादू और इल्म का हुनर सर चढ़कर बोलेगा तो आप खुद ब खुद कह उठेंगे वाह जी वाह। बहुत अच्छा, चलिए महफिल की शुरुआत करते हैं और इस महफिल के पहले कवि को मैं आवाज देता हूँ। ना, कवि को नहीं, पहली कवित्री को आवाज देता हूँ। पहली कवित्री को आवाज देता हूँ और मेरी मुराद है एक ऐसी कवित्री से, वो कवित्री जो समसामयिक विषयों पर अपनी नजर रखती है, पकड़ रखती है, बहुत गहरी रखती है। मेरी मुराद है खारगर नवी मुंबई से पधारी एक ऐसी कवित्री जिसको हम प्यार से कहते हैं दीपाली सक्सेना। दीपाली सक्सेना जी का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। दीपाली जी स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। तो नमस्कार दोस्तों, मेरी आधी तारीफ तो ये शर्मा जी कर ही चुके हैं और बाकी मैं आपको बताती हूँ कि मैं बहुत ही धार्मिक महिला हूँ। और क्यों ना हूँ, हमारे धर्मशास्त्रों में हर समस्या का समाधान है और किस तरह का समाधान है वो मेरी नज़र से देखिएगा। सुनाइए कि गीता का सार, एक श्लोक आपने जरूर सुना होगा कि कर्मण्युपाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इस श्लोक ने मेरी जिंदगी को किस तरह से बदला है कि गीता का सार मैंने उन्हें कुछ यूं समझा रखा है। क्या बात, बहुत अच्छा, धन्यवाद। गीता का सार मैंने उन्हें कुछ यूं समझा रखा है, उन्हें मतलब मेरे पति को, जी, मैंने उन्हें कुछ यूं समझा रखा है कि तुम्हारा कर्म 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 सिर्फ कर्म पर ही अधिकार है, फल पर नहीं। कि तुम्हारा सिर्फ कर्म 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 पर ही अधिकार है, फल पर नहीं। तब से घर के सारे कर्म तो मैं उनसे ही करवाती हूँ। बहुत बढ़िया, वाह। तब से घर के सारे कर्म तो मैं उनसे ही करवाती हूँ और उनके इंतजार में फल सड़ ना जाए इसलिए अकेले ही खाती हूँ। और आप मेरी सेहत देखकर मेरी सेहत का राज आपको पता चल गया होगा। देखिए राज से पर्दा उठा है ना, तो अभी देखिए अभी आगे और भी कुछ राज मैं आपको खोलकर दिखाती हूँ। तो एक और छोटी सी रचना का आनंद लीजिए। स्वागत है। धन्यवाद। आप सभी ने एक फोटो देखी होगी जिसमें शेषनाग की शैया पर विष्णु जी लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं। क्या कहने? जी, तो उस फोटो को ध्यान में रखिए और इस रचना का आनंद लीजिए कि विष्णु जी के चरण दबाते लक्ष्मी जी की तस्वीर देख कर, कि विष्णु जी के चरण दबाते लक्ष्मी जी की तस्वीर देख कर पति ने पत्नी से कहा, पति ने पत्नी से कहा कि तुम हो मेरे घर की लक्ष्मी, कि तुम हो मेरे घर की लक्ष्मी, कभी ऐसा अनुसरण करो, कभी ऐसा अनुसरण करो और मुझे भी विष्णु बनने का अवसर प्रदान करो। जी जी, कि मुझे भी विष्णु बनने का अवसर प्रदान करो। तो पत्नी ने कहा पतिदेव, तस्वीर में हमेशा असलियत नहीं होती। वाह वाह, बहुत अच्छा। कि तस्वीर में कभी असलियत नहीं होती। लक्ष्मी जी तो हैं चंचला, कि लक्ष्मी जी तो हैं चंचला, वे तो सदा भ्रमण पर हैं रहती। बहुत बढ़िया। और जब भी आती है घर पर थकी हारी तो विष्णु जी ही चरण दबाते हैं। तो विष्णु जी ही चरण दबाते हैं। और ये अलग बात है कि घर में लगाने के लिए तस्वीर दूसरी खिंचवाते हैं, घर में लगाने के लिए तस्वीर दूसरी खिंचवाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छा एक्सपीरियंस। वाह वाह जी, वाह वाह दीपाली जी, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छा। क्या बात है, एक बाग बकरी चाय का ब्रांड आपने सुना होगा, आपने उस ब्रांड की चाय पी होगी, लेकिन मैं दूसरी ब्रांड की चाय बात कर रही हूँ। कि टीवी पर देख बाग बकरी चाय का विज्ञापन, टीवी पर देख बाग बकरी चाय का विज्ञापन, पति ने पत्नी से किया निवेदन कि प्रिय एक कप बाग बकरी चाय मिल जाती तो मजा ही आ जाता। क्या बात, कि एक कप, धन्यवाद, कि एक कप बाग बकरी चाय मिल जाती तो मजा ही आ जाता। तो पत्नी ने कहा पर मेरा मन तो शेरनी बकरा चाय पीने का कर रहा है। पर मेरा मन तो शेरनी बकरा चाय पीने का कर रहा है, जाइए और दो कप बना कर ले आइए। क्या कहने, क्या कहने? बहुत अच्छा। पति ने पूछा है कि प्रिय ये क्या नई ब्रांड मार्केट में आई है? हाँ।
ये कोई नई ब्रांड मार्केट में आई है, तो पत्नी ने कहा नहीं पतिदेव, ये ब्रांड तो सदियों से चली आ रही है। कि दरअसल जब कोई बकरी बाग के लिए चाय बनाती है, ध्यान दीजिएगा, जब कोई बकरी बाग के लिए चाय बनाती है तो वो बाग बकरी चाय कहलाती है, लेकिन जब कोई बकरा शेरनी को चाय पिलाता है तो वो शेरनी बकरा चाय कहलाती है। धन्यवाद। अपने पतिदेव को गीता का सार कुछ यूं समझा रखा है कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म, कर्म और कर्म पर है, फल पर बिल्कुल नहीं। वाह, इसीलिए मैं घर के सारे काम उनसे करवाती हूँ और इंतजार में फल कहीं सड़ ना जाए तो सारे फल मैं खुद ही खा जाती हूँ। बहुत अच्छा। ऐसी विलक्षण बात करने वाली कोई कवि जेवर हो सकती है तो वो है दीपाली सक्सेना। मैं चाहता हूँ कि जोरदार तालियों से दीपाली सक्सेना जी का स्वागत किया जाए। दीपाली जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, क्या बात है। इसी श्रेणी में मैं अब जिनको आवाज देने वाला हूँ, आज के हमारे दूसरे कवि, एक ऐसा नौजवान कवि, एक ऐसा नौजवान शायर जो गजल पर पकड़ रखता है, बहुत बढ़िया, सीखने की हिम्मत रखता है, सच को कबूल करने की हिम्मत रखता है, वो कवि, वो शायर जिसने बहुत से पुरस्कार जीते हुए हैं, साहित्य के प्रति उसका समर्पण देखते बनता है। मेरी मुराद है थाना मुंबई से हमारे बीच आए हुए एक ऐसे गजलकार जिनको हम भाई अनिल कुमार राही के नाम से जानते हैं। मैं जानता हूं कि अनिल कुमार राही जी का जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। अनिल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, शुक्रिया। बिना किसी भूमिका के मैं पालन करता हूँ आदेश का जी। चार पंक्तियां देख लें कि कभी खुद से जुड़ा हूँ मैं, कभी खुद से जुड़ा हूँ मैं, कभी जोड़ा गया हूँ मैं, बहुत अच्छा, कभी खुद से जुड़ा हूँ मैं, कभी जोड़ा गया हूँ मैं, कभी खुद से ही टूटा हूँ, कभी तोड़ा गया हूँ मैं, कभी खुद से ही टूटा हूँ, कभी तोड़ा गया हूँ मैं, बहुत अच्छा। बताऊँ क्या तुम्हें राही, हुआ क्या हाल है मेरा, बहुत अच्छा। बताऊँ क्या तुम्हें राही, हुआ क्या हाल है मेरा, वफा होती जहाँ घायल वहीं छोड़ा गया, बहुत अच्छा, छोड़ा गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह, शुक्रिया। अब गजल जी। उतरा हुआ है चेहरा, उलझी है जिंदगानी, बहुत अच्छा। उतरा हुआ है चेहरा, उलझी है जिंदगानी, उलझी है जिंदगानी, सबकी है ये कहानी, देखी है जिंदगानी, उतरा हुआ है चेहरा, उलझी हुई है जिंदगानी, सबकी है ये कहानी, देखी है जिंदगानी। शेर देखें कि बताओ, माना बुरा है आलम, खुद को मगर संभालो, माना बुरा है आलम, खुद को मगर संभालो, कुछ दान पुण्य कर लो, थोड़ी है जिंदगानी, बहुत अच्छा, दान पुण्य कर लो, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, शुक्रिया, बड़ी अच्छी, शुक्रिया। लालच हमारी हमको अपनों से दूर करती, लालच हमारी हमको अपनों से दूर करती है, भीड़ में अकेले रोती है जिंदगानी, है भीड़ में अकेले रोती है जिंदगानी, शुक्रिया। सोचो मिला हमें क्या नफरत का बीज बोकर, सोचो हमें मिला क्या नफरत का बीज बोकर, इस पर विचार करना कहती है जिंदगानी, इस पर विचार करना बहुत अच्छा, कहती है जिंदगानी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शुक्रिया। जिसको भी आज देखो मजबूर दिख रहा है, जिसको भी आज देखो मजबूर दिख रहा है,
खुद को जरा निहारो कैसी है जिंदगानी, खुद को जरा निहारो कैसी है जिंदगानी, उतरा हुआ है चेहरा उलझी है जिंदगानी। चेहरे देखें कि जो मेरा खास पसंद है, इस पार हम खड़े हैं उस पार वो खड़े हैं, इस पार हम खड़े हैं उस पार वो खड़े हैं, अब तक तो यार ऐसे गुजरी है जिंदगानी, अब तक तो यार ऐसे गुजरी है जिंदगानी। और मत पे कैसे राजी करता हूँ, मझधार भी मिला है, बहुत अच्छा, मझधार भी मिला है पतवार भी मिला है, बहुत अच्छा, मझधार भी मिला है पतवार भी मिला है, राही भवर में डूबी है फिर भी जिंदगानी, राही भवर में डूबी है फिर भी जिंदगानी, उतरा हुआ है चेहरा उलझी है जिंदगानी, सबकी है ये कहानी देखी है जिंदगानी, बहुत अच्छा, देखी है जिंदगानी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत अच्छा। उतरा हुआ है चेहरा उलझी है जिंदगानी, वाह, उतरा हुआ है चेहरा की है ये कहानी, सबकी है ये कहानी देखी है जिंदगानी, बहुत खूबसूरत। अभी अपने बेशकीमती अशआर से नवाज रहे थे जनाब अनिल कुमार राहे जी, मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से राहे जी की हौसला अफजाई की जाए, बहुत 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 शुक्रिया। दोस्तों, वाजिवा की महफिल में गीत गजल और कविताओं का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए टीवी वर इंडिया लाइव। क्या है समस्या, कौन है जिम्मेदार, नगर सेवक, अधिकारी या सरकार, वार्ड परिक्रमा में खुलेगा भ्रष्टाचार का राज, जब बुलंद होगी आम जनता की आवाज। नगर सेवक को तो कभी नहीं देखा, नगर सेवक का भी काम है कि वो आके उसके नगर में देखे, डेवलपमेंट तो कहीं पे नजर नहीं आ रहा, काम बहुत किया है हमने। वार्ड परिक्रमा खोल खोल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा। यदि आपकी लेखनी में है दम तो टीवी इंडिया पर आपको दिखाएंगे हम, तो फिर देर किस बात की, आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम और अपने साहित्य को दीजिए एक नया मुकाम, नवोदित शायरों और कवियों का अपना मंच, वाह जी वाह। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे लिखे नंबर पर संपर्क करें। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है गीत गजल कविताओं के उस अनूठे कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह जी वाह। हमने आपसे वादा किया था कि हम उन शायरों को, उन कवियों को भी आपके बीच पेश करेंगे जो बहुत हुनरमंद हैं, बहुत काबिले कद्र हैं। आपका हक बनता है कि आप उनको सुनें, मगर आप उससे महरूम रहे। मेरी मुराद एक ऐसे कवि से है जो पिछले 40 साल से कविता कर रहा है। हिंदुस्तान का कोई ऐसा मंच नहीं बचा है जिस पे उन्होंने अपने हुनर के जलवे ना बिखेरे हों। मेरी मुराद है सेल्स एंड जीएसटी में सहायक आयुक्त के पद से रिटायर्ड हुए, सेवानिवृत्त हुए, वडाला से बीच हमारे पधारे मेरे अग्रज, बहुत मशहूर शायर, बहुत अजीम शख्सियत जनाब ज्ञान प्रकाश गर्ग। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। ज्ञान भाई आपका स्वागत है। शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ इस मंच पर मौका दिया आने का, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और बिना किसी प्रस्तावना के अपनी गज़ल पेश करता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि इसको सुनने के बाद लोग अपने किरदार में ऐसे गुण लेकर आएं इस गज़ल को सुन के बाद कि हौसले जिनके भी चट्टान हुआ करते, क्या कहने हैं, क्या कहने कि हौसले जिनके भी चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसान हुआ करते कि जो भी कहना है जुबान से नहीं नजरों से कहो। क्या बात है,
अनिल भाई जी जी क्या नजाकत कि जो भी कहना है जुबान से नहीं नजरों से कहो, यार दीवारों के भी कान हुआ करते हैं और उनकी ही भूल को मिलती है मुआफी अक्सर। डॉक्टर साहब यस कि उनकी ही भूल को मिलती है मुआफी अक्सर जो हकीकत में पशेमान हुआ करते हैं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे जो हकीकत में पशेमान हुआ करते हैं। और देखिए फोर्थ स्टेट जो हमारा पत्रकारिता जगत है उसके लिए कि कलम के वार से करते जो कलम झूठ का सर, कलम करना मतलब सर कलम करते कि कलम के वार से करते जो कलम झूठ का सर तेग कलम की पहचान हुआ करते कलम की पहचान हुआ करते हैं। देखिए हमने भगवान को देखा नहीं है लेकिन उसकी थोड़ा सा मैं परिभाषा देता हूं आपको यहाँ कि हर मुसीबत से गरीबों को जो रखते महफूज। क्या बात है। हर मुसीबत से गरीबों को जो रखते महफूज। क्या बात है। लोग ऐसे ही तो भगवान हुआ करते लोग ऐसे ही तो भगवान हुआ करते हैं। और इसका मकता है कि जिनकी आंखों में कोई शर्म नहीं हो बाकी कि जिनकी आंखों में कोई शर्म नहीं हो बाकी ज्ञान क्या वो कोई इंसान हुआ करते ज्ञान क्या वो कोई इंसान हुआ करते हैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एक गजल अपनी प्रेसी अपनी महबूबा के लिए। वाह। उसके अंदर जो गुण निहा है पोशीदा है उसके लिए कि इतनी उलझन की क्या जरूरत है। डॉक्टर साहब इतनी उलझन की क्या जरूरत है। इतनी उलझन की क्या जरूरत है ऐसे बंधन की क्या जरूरत है ऐसे बंधन की क्या जरूरत है। देखिए दीपाली जी आपके लिए खास तौर से कि तेरी बातों से फूल झड़ते हैं कि तेरी बातों से फूल झड़ते हैं तुझको गुलशन की क्या जरूरत है तुझको गुलशन की क्या जरूरत है और तू महकती है खुद बहारों सी तू महकती है खुद बहारों सी तुझको चंदन की क्या जरूरत है तुझको चंदन की क्या जरूरत है। देखिए सबसे अच्छा जो गहना है स्त्री का कि सज के रहती हया के गहने में सज के रहती हया के गहने में तुझको कंचन की क्या जरूरत है तुझको कंचन की क्या जरूरत है और रुख पे जुल्फों की निगहबानी है। पहरेदारी कर रही है देखिए जुल्फे कि रुख पे जुल्फों की निगहबानी है फिर ये चिलमन की क्या जरूरत है फिर ये चिलमन की क्या रुख पे जुल्फों की निगहबानी क्या बात है। एक बार फिर पढ़िए बहुत अच्छा है।
कि रुख पे जुल्फों की निगहबानी है, कि रुख पे जुल्फों की निगहबानी है, फिर ये चिलमन की क्या जरूरत है। इसका मकता देखिए जी, अता हो तुझको देखूं तो संवर जाता हूँ, तुझको देखूं तो संवर जाता हूँ, ज्ञान दर्पण की क्या जरूरत है, ज्ञान दर्पण की क्या जरूरत है, बहुत अच्छे, ज्ञान दर्पण की क्या जरूरत। हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही तो आसान हुआ करते हैं। वाह डॉक्टर साहब वाह। और दूसरी तरफ इतनी उलझन की क्या जरूरत है, ऐसे बंधन की क्या जरूरत है, तुझको देखूं तो समझ जाता हूँ, ज्ञान तुझको दर्पण की क्या जरूरत है। इतनी खूबसूरत शायरी, दो पैराडॉक्स। मैं कहता हूं कि डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, शुक्रिया इतनी खूबसूरत शायरी के लिए। और आज आपने हमारी महफिल को जो एक फरोग बख्शा है, हम उसके लिए हमारे चैनल की तरफ से आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, आभारी हैं। मैं चाहता हूं कि गर्ग साहब के हौसला अफजाई के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। ज्ञान दोस्तों, वाजिवा की महफिल के जरिए हमारी ये कोशिश है कि हम नवोदित कवियों और शायरों को मौका दें। अगर आप भी लिखते हैं बाकमाल, आपके कलाम में है दम, तो हमारा आपसे वादा है कि TV1 इंडिया पर आपको दिखाएंगे हम। अगर आप हमारे इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो अभी देर किस बात की है, उठाइए अपना मोबाइल और नीचे लिखे नंबर पर आज ही अपना पंजीकरण कीजिए। आपसे फिर मिलेंगे नई महफिल में नए कवियों और नई शायरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए TV1 इंडिया लाइव। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।